विनीता आपके साथ बी पॉजिटिव विद विनीता के साथ अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकिन दिल को छूने वाली कहानी आपको मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक बच्चा था, वो भागता हुआ अपने पिताजी के पास आया। पिताजी पिताजी मेरे दसवीं की मार्कशीट देखी। पिताजी ने मार्कशीट हाथ में ली और खुशी से एकदम से खुश हो गए 95%। और अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनो अजी सुनो जी। अपनी पत्नी को कहा, देखो तुम्हारे बेटे ने 95% अंक प्राप्त किए हैं। बेटे ने कहा, हे माँ पिताजी, किस अनपढ़ माँ को बुला रहा है, उन्हें क्या पता 95, 97, 90 क्या होता है, मत बुलाओ उन्हें, वो अपने चौका बर्तन कर रही है, करने दो। पिताजी का माथा थनका, उन्होंने कहा, हरे बेटे, उन्होंने कहा, सुन बेटा बैठ मेरे पास। अपने पकड़ के अपने बेटे की बाँ को सोफे पे अपने साथ बैठा है। बेटा ध्यान से सुनना मेरी एक बात, अपनी इस अनपढ़ माँ की देख, मेरा विवाह हुआ था, आज तू 15 वर्ष का है, 16 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था, ठीक शादी के 9-3 महीने बाद तेरी माँ गर्भवती हो गई। मैंने उसे बहुत कहा, अभी तो हमें घूमना फिरना है, ऐश आराम करनी है, घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे, ये जो बच्चे का है ना इसका गर्भ गिरवा ले अपना। तेरी माँ ने कहा, नहीं ये मेरे परमात्मा की देन, मैं गर्भ नहीं गिरवाऊंगी, मेरे बालक का जन्म होने दो, ये तो बहुत मौके आएंगे घूमने फिरने के, मेरे बालक को जन्म दे दो। ठीक 9 महीने बाद तूने जन्म लिया, मतलब आज 15 वर्ष का तू हो गया, समझ 9 महीने बाद तूने जब चलना शुरू करा, तो पहले ये था जब तू माँ का दूध पीता था, माँ को दूध नहीं अच्छा लगता था, उसे उल्टी आ जाती थी दूध के नाम से ही, लेकिन तेरी तरफ देख के कि तू भूखा है, वो किसी तरह नाक बंद करके दूध पीती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी, समझ, वो अशिक्षित थी, अनपढ़ थी। और एक बेटा एक बार और सुन, जब तूने चलना शुरू करा, माँ माँ बोलना शुरू करा, उसने तेरी उंगली पकड़ के तेरे को गले से लगाया, गले से चिपकाया, क्योंकि वो अनपढ़ थी, समझ आ रहा है। जब तू खाना नहीं सीखता था, उसने अपनी तेरा हाथ पकड़ के अपने हाथों से तेरे के मुंह में निवाला डाल के डाला, तो क्योंकि वो अनपढ़ थी। जब वो कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन तेरे को अच्छे से अच्छे स्कूल में, माने हुए स्कूल में मेरे को कह के उसने दाखिला करवाया, क्योंकि वो अनपढ़ थी। उसके पास, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन मेरे पीछे पढ़ के उसने अच्छे से घर में पढ़ाने के लिए ट्यूटर तेरा लगवाया, क्योंकि वो अनपढ़ थी। बेटा अगर अगर तेरी माँ वो अनपढ़ नहीं होती, आज वो भी ऐशो आराम में रखती, ब्यूटी पार्लर में बैठी रहती, रोज सिनेमा घरों में जाती, अपने कपड़ों पे खर्च करती, ना कि तेरे को अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनाती, तेरे मुंह में जो अच्छे से अच्छी पिज्जा बर्गर, जो घर में अच्छे से अच्छा कुछ नमक से रोटी खा के भूखी प्यासी रह के तेरे को अच्छे से अच्छा पनीर खिलाती तेरे को, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तूने एहसान फरामोश इस अनपढ़ माँ को, जो ना पढ़ी होके भी पढ़ी लिखी माँ से बहुत अच्छी है, तूने दिल दुखा के अच्छा नहीं करा। जा माफी मांग उस माँ से जिसका तूने दिल दुखाया है। जन्म देने वाली माँ का दिल दुखाना ऊपर बैठी माँ जगदम्बा के दिल दुखाने से भी भारी होता है। बेटे को अपनी बात पे बहुत ही दुख हुआ, वह रोता बिलखता हुआ अपने माँ के चरणों में पड़ गया, माँ मुझे माफ कर दे, माँ मुझे माफ कर दे। किताबी नॉलेज ही कुछ नहीं होती, हमारा व्यवहार सब कुछ होता है, हमारे शिष्टाचार सब कुछ होते हैं। जिसके पास डिग्रियां नहीं होती, यूनिवर्सिटी की स्कूलों की सर्टिफिकेट नहीं होते, लेकिन वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, और अपना परिवार अच्छी तरह, बल्कि आज के पढ़े लिखे बच्चे, पढ़ी लिखी माता पिता उन अनपढ़ों से खराब हैं, जो अपने अलग घर बसा लेते हैं, और कभी ना माँ बाप अपने बच्चों का सोचते, ना बच्चे माँ बाप का सोचते, ये अनपढ़ ही ज्यादा अच्छे है। अगर हम पढ़े लिखे भी तो, लेकिन अपने संस्कार ना छोड़ें, अपनी संस्कृति ना छोड़ें।